हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ पे हूँ। नॉर्मली मैं घर से बात करती हूँ, बट आज मैं मेरे बिल्डिंग के गार्डन में आई हूँ, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा आपको भी चेंज हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा चेंज मिले। तो चलिए अब रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो दही से बनी हुई बहुत ही टेस्टी खीर है। इसे हम बिना गैस जलाए और बिना चावल के बनाने वाले हैं। बहुत ही कम मेहनत में विदिन 5 मिनट्स में बनकर रेडी हो जाता है, तो है ना ये अनोखी बात। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे मैंने 1 कप हंकड़ यानी कि चक्का दही लिया है। हंकड़ कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, बट अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसकी रेसिपी आपको वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ आप ये जो रेसिपी है एंड तक देखें। साथ ही में यहाँ पे मेरे पास 250 ml फ्रेश क्रीम है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो मैं आपको इसका दूसरा ऑप्शन देती हूँ। तो आधा लीटर दूध को आप इतना पका लें कि वो 200 ग्राम तक हो जाए, यानी कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 100 ml कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसका भी जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसी में हम 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ यानी कि जैगरी डालेंगे। इससे एक अलग तरह का टेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क या फिर गुड़ नहीं है तो आप नॉर्मल जो पीसी हुई चीनी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से फेंट लेते हैं जब तक कि हमारा जो बैटर है वो एकदम स्मूथ ना हो जाए और उसमें कोई गुठली ना रहे। मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क और जैगरी दोनों का इस्तेमाल किया है। कंडेंस मिल्क हमारी खीर को एक स्मूथनेस देगा, एक शाइन देगा, तो साथ ही में जो जैगरी है वो एक अलग सा मीठापन देगा और साथ ही में जो दही का खट्टापन है उसे बैलेंस भी करेगा। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है एकदम स्मूथ बनकर रेडी है। तो अब हम इसमें कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 चम्मच इलायची पाउडर है। साथ ही में मैं इसमें 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर भी ऐड करूँगी। इसे फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। दालचीनी से इसे बहुत अच्छी खुशबू मिलेगी और कोई भी अगर आप मीठी रेसिपी बना रहे हो उसमें थोड़ा सा दालचीनी ऐड करते हो ना तो उसका जो लेवल है काफ़ी बढ़ जाता है। बट ये पूरी तरह से ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो। आप चाहो तो इसके बजाय वेनिला एसेंस भी ले सकते हो या फिर जो रोज़ वाटर आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 15 से 20 केसर के धागे हैं और यहाँ पे मेरे पास 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। और 1 बड़ा चम्मच मेरे पास चिरौंजी है, इससे भी एक नटीनेस मिलेगा। तो इनको भी अच्छे से मिला देते हैं। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स है पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अपने पसंद अनुसार या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल है जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, इस तरह के कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही फ्लेवरफुल मिक्सचर बनकर रेडी है। तो यहाँ पे मेरे पास मिट्टी का इस तरह का फैला हुआ एक कुल्हड़ है, तो मैं इसमें उसको सर्व करूँगी। आप कोई भी बर्तन में इसे सर्व कर सकते हैं। ये थोड़ा कैसे दिखने में भी अच्छा लगेगा और ये खाने में भी और भी ज़्यादा ठंडा रहेगा। इसे हम ऊपर से थोड़े और पिस्ता और केसर से गार्निश करेंगे और इसे हम फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद ही हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिखने में बिल्कुल खीर जैसा लग रहा है ना, बट ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस श्रीखंड की रेसिपी है जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप भी श्रीखंड को ज़रूर बनाएं क्योंकि बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बंगाली स्वीट्स के फ़ैन हो तो मैं आपको सेम बैटर से मिष्टी दही बताती हूँ, मगर अब की बार हम गैस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मेरे पास इस तरह का सिरेमिक पॉट है। आप चाहो तो कोई भी माइक्रोवेव वाला बर्तन या फिर नॉर्मल बर्तन भी ले सकते हैं, बट आप कांच का और प्लास्टिक का बर्तन ना इस्तेमाल करें। और इस तरह का मैंने कुकर का बर्तन लिया है, बट आप जो भी बर्तन लो उसमें हम जो मिष्टी दही बनाने वाले वो वाला पॉट इसमें अच्छे से आ जाना चाहिए। इस तरह से किनारों में गैप भी रहना चाहिए। तो अब हम सारा जो बैटर है इस पॉट में डाल लेते हैं और इसे हल्का सा टैप कर लेते हैं जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऊपर से हम सिल्वर फॉइल से इसे पूरी तरह से कवर करेंगे। इस तरह से इसे सिल्वर फॉइल लगाने से दो चीजें होंगी। एक तो ये अच्छे से स्टीम में पक जाएगा और जब स्टीम बनता है तो उसका जो भाप बन के जो पानी बनता है वो इसमें नहीं जाएगा। और इसे हम कुकर के बर्तन में रखकर आधा ग्लास पानी किनारों से डालेंगे। ध्यान रहे किनारों से हमें पानी डालना है, पॉट के ऊपर पानी नहीं डालना है। यहाँ पे मेरे पास कुकर है क्योंकि आज हम कुकर में मिष्टी दही बना रहे हैं। तो कुकर में हम इस तरह का स्टैंड रखेंगे। आप चाहो तो नॉर्मल जो कुकर की जाली होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे
और हमने जो ये दही का बर्तन रेडी करके रखा है उसे इसमें रख देंगे। कुकर को बंद कर लेते हैं। ध्यान रहे कुकर की सीटी जो है हमें नहीं लगानी है। गैस को ऑन करेंगे और इसे हम धीमी आंच पे 40 से लेके 45 मिनट तक पकने देंगे। 45 मिनट्स हो गए हैं, मैंने आंच को ऑफ कर दिया है। कुकर को हम खोल देते हैं। और जो हमारा दही का बर्तन है उसे सावधानी से बाहर निकाल लेते हैं। ये अभी काफी गर्म है फ्रेंड्स, तो सावधानी से हम इसका जो सिल्वर फॉइल है इसे निकाल देंगे और इसे ऐसे किचन काउंटर पे छोड़ देंगे जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, यानी कि ये ठंडा हो जाए। और ये जब नॉर्मल यानी कि ठंडा हो जाएगा, हम इसे छू सकेंगे, तब हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और ठंडा ठंडा इसे सर्व करेंगे। एक घंटा हो गया फ्रेंड, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो मिश्री दही है वो अच्छे से जमकर बनकर रेडी है। बिल्कुल परफेक्ट तरह से ये जम गई है और पककर रेडी है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितना गाढ़ापन है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें होममेड दही इस्तेमाल किया था। तो आप भी इस मिश्री दही को बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। और बताए कैसे बनी थी। तो एक बैटर से आप दो चीजें आसान से बना सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको फाइनली कैसे चक्का दही यानी कि हंकड़ बनाते हैं वो बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास हंकड़ बनाने के लिए 400 ग्राम होममेड दही है। आप नॉर्मली जो मार्केट में दही मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह की मैंने एक छलनी ली है और एक बाउल लिया है। तो करेंगे कि जो पूरा दही है हम इस छलनी में डाल देंगे। इससे होगा ये कि इसका जो सारा पानी है वो छन कर इस बाउल में आ जाएगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल वाटर होता है, तो उसे हमें थ्रो नहीं करना है। तो इसे हम ऐसे ही छलनी में 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक इसका पूरा पानी निकल ना जाए। तो देखिए 2 घंटे के बाद आपको इस तरह का एक अच्छा हंकड़ मिलेगा, जो कि बहुत ही क्रीमी भी है, साथ ही में इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो देखा ना फ्रेंड्स, एक ही दही के मिक्सर से हम महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस चिकन की रेसिपी बना सकते हैं, तो बंगाल की हम मिष्टी दही भी बना सकते हैं। तो आपको जो भी पसंद हो उसे आप ज़रूर बनाएं। आई होप कि आपको ये रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही में इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स परिवार सोशल साइट पर जरूर शेयर कीजिएगा। और अब तक अपने रे किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और जो बेल बटन होता है उसे प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि इस तरह की बहुत ही आसान रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।